डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत हिस्से की बात करें तो सबसे पहला नाम सिक्किम का ही आता है। दुनिया में पर्वतों की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के मनमोहक व्यू के साथ इसे भारत के पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। पर्यटकों से भरा रहने वाला ये सिक्किम हर साल 16 मई को अपना फाउंडेशन डे मनाता है। आज ही के दिन 1975 को ये भारत का 22वां राज्य बना था। इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि इस छोटे से राज्य में पर्यटकों के लिए क्या खास है जो सभी पर्यटकों का दिल चुरा लेता है। इस वेकेशन आप भी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। सोमगो लेक, ये झील 1 किलोमीटर लंबी अंडाकार है। स्थानीय लोग इसे बेहद पवित्र मानते हैं। मई और अगस्त के बीच झील का इलाका बेहद खूबसूरत हो जाता है। दुर्लभ किस्मों के फूल यहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें बसंती गुलाब, आइरिस और नीले पीले पोस्ट शामिल हैं। झील में जली और पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। लाल पांडा के लिए भी ये एक मुफीद जगह है। सर्दियों में झील का पानी जम जाता है। नाथुला दर्रा, 14,200 फीट की ऊंचाई पर नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है। सिक्किम चीन को तिब्बत स्वाशी क्षेत्र से जोड़ता है। ये यात्रा अपने आप में आनंद देने वाला अनुभव है। धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते और गरजते झरने यहाँ के रास्ते को अद्भुत बना देते हैं। इस जगह जाने के लिए पर्यटकों के पास परमिट होना बेहद जरूरी है। पेलिंग तेजी से लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। 6,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इसी जगह से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा को सबसे करीब से देखा जा सकता है। ये स्थान तो खूबसूरत है ही, पेलिंग के अन्य आकर्षण हैं सांगा चेलिंग मोनास्ट्री और खेचियो पागी लेक। बाबा मंदिर एक सैनिक देता है पहरा। बहुत सुना था कि सिक्किम में एक सैनिक का मंदिर है जो आज भी सरहदों पर पहरा देता है। बाबा मंदिर से मशहूर ये मंदिर छांगो लेक के भी ऊपर है। ये भारतीय सेना के जवान हरभजन सिंह का मंदिर है। लोग कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी चीन के साथ जब बैठक होती है तो उनकी कुर्सी खाली रखी जाती है। उनके सामने खाने पीने का सारा सामान परोसा जाता है और ये माना जाता है कि वो वहाँ बैठे हैं। गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ लोग याक सफारी, केबल राइड और एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए भी आते हैं। गैंगटॉक में वेकेशन मनाना आपके लिए पैसा वसूल एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो आप यहाँ सारे मौसम इंजॉय कर सकते हैं लेकिन गैंगटॉक घूमने का बेस्ट टाइम बसंत ऋतु है। कैसे पहुंची? गैंगटॉक जाने के लिए करीबी एयरपोर्ट बागडोगरा है जो करीब 124 किलोमीटर दूर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है जिसके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। दोनों जगह से प्राइवेट या शेयर टैक्सी से गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।